हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम वेज मोमोज बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच तेल, और पानी डालकर मैदे को कूट लेंगे। ध्यान रहे हमें मैदे को टाइट कूटना है। मैदे का टाइट डो बनकर तैयार है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हम डो तैयार कर चुके हैं, अब फिलिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए पैन गरम करेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और चला लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं होने देंगे, बस इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें 1/2 कप घिसा हुआ गाजर, 1.5 कप घिसी हुई पत्ता गोभी डालकर चला लेंगे। अब इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। सारी सब्जियों को 2 मिनट तक चला लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब गैस बंद कर देंगे और फिलिंग को प्लेट पे निकाल लेंगे। और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब डो को देख लेते हैं। डो भी सॉफ्ट सा हो गया है। डो की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। लोइयां बन चुकी है, अब इनकी पूड़ियां बना लेंगे। पूड़ियां भी बन चुकी है, अब आप ध्यान से देखिए कि मोमोज को किस तरीके से बनाना है। अब एक पूड़ी को हाथ में लेंगे और 1 चम्मच फिलिंग को भरेंगे। अब एक तरफ से लेयर के ऊपर लेयर लगाएंगे
और लास्ट में पूरी को कुभाकर दोनों पॉइंट से जोड़कर इस तरीके से मोमोज की शेप देंगे। इसी तरीके से बाकी मोमोज भी तैयार कर लेंगे। मोमोज तैयार हो चुके हैं। अब कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें एक ग्लास पानी डालेंगे और पानी को गरम होने देंगे। अब एक छलनी लेंगे और उसके चारों तरफ तेल लगाएंगे। कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। अब मोमोज को एक एक कर छलनी में रखेंगे। और प्लेट से ढक देंगे। और 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 2 मिनट बाद प्लेट को उठाकर इस तरीके से भाप का पानी निकाल देंगे ताकि मोमोज के ऊपर पानी ना गिरे और मोमोज अच्छे से स्टीम हो जाए। दस मिनट हो चुके हैं, मोमोज भी स्टीम हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और मोमोज को प्लेट पे निकाल लेंगे। वेज मोमोज बनकर तैयार है। आप इसे शेज़वान चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।